नमस्कार, मैं आज पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर हूं। हमने कंप्लेंट दी है, ये कंप्लेंट दिल्ली सरकार के खिलाफ है और ये आरोप है हमारा कि आप यमुना को गंदा कर रहे हैं। कल मैं यमुना पे दौरे पे गया था। आप सब जानते हैं कि 30 तारीख को छठ पूजा होनी है। छठ पूजा को लेकर के आयोजन की जो समितियां हैं वो अपना अपना काम कर रही हैं। एक तरफ तो केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि पूर्व की भांति छठ मनेगी, तो वही दावों की मैं पोल खोलने गया था। देख के बड़ा दुख हुआ और हैरानगी हुई कि वहाँ छठ घाट पर कोई तैयारी नहीं दिखी, कोई साफ सफाई के लिए कोई कर्मचारी नहीं। और ये जानकर के मुझे और दुख हुआ कि शायद वहाँ सरकार SDM DM जो है वहाँ पर ये छठ का आयोजन नहीं होने देना चाहते। और हवाला दिया जा रहा है कि NGT का आदेश है। NGT का आदेश कोई नया आदेश नहीं है। NGT का आदेश है कि वहाँ मूर्ति विसर्जन नहीं हो सकता, वहाँ पर और कोई ऐसी सामग्री नहीं हो सकती जो यमुना को प्रदूषित करे। सो छठ मैया के पूजा आयोजन में कोई भी इस तरह की सामग्री नहीं है जो यमुना को गंदा कर पाए। लेकिन NGT के उस पुराने आदेश का हवाला बना करके अरविंद अपनी जिम्मेवारियों से भागना चाहते हैं, छठ को नहीं मनाने देना चाहते। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि छठधारी या जो छठ मनाने वाले लोग, लगभग 50 लाख लोग दिल्ली में रहते हैं, व्रतधारी लोग यदि वहां जाएंगे तो स्वाभाविक है प्रदूषण पे, गंदगी पे, यमुना की सफाई पे सवाल पूछेंगे। तो अरविंद ने बड़ा अच्छा रास्ता अपनाया है कि इनको वहां जाने ही मत दो, और उसके लिए अपने SDM और DMO का प्रयोग किया जा रहा है, सरकारी तंत्र का प्रयोग किया जा रहा है और NGT के पुराने आदेश का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें कोई मूर्ति विसर्जन का हो या अन्य कोई प्रदूषण की सामग्री ना डाले वो रोक है। तो साथियों, जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा, एक तरफ तो अरविंद कह रहा है कि आप यमुना घाट पर आप छठ नहीं मना सकते, और दूसरी तरफ वहां जल बोर्ड के द्वारा एक केमिकल घोल से जो गंदगी के जो झाग उभर रहे हैं, जहरीला जो पानी, जो जिससे पानी इकट्ठा होकर के झाग क्रिएट करता है, उस झाग को मारने के लिए, दबाने के लिए घोल किया जा रहा है। ये तो वही बात होगी सर, आदमी मरे तो मरे पर मेरी छवि खराब नहीं होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल को जनता से सरोकार नहीं है, अरविंद को यमुना से सरोकार नहीं है, लेकिन अरविंद की इमेज में कोई दाग नहीं लगना चाहिए, इसको मैं इस तरह से देखता हूं। इसीलिए मैं यहां आया हूं, जल बोर्ड के द्वारा जहरीले उस केमिकल का छिड़काव जो स्वास्थ्य के लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, वो सरकार कैसे करा सकती है? अपनी इमेज सुधारने के लिए केमिकल का छिड़काव पानी में कराना, ये क्या उचित है? ये दंडनीय अपराध है और यही कंप्लेंट मैं देने आया हूं। मैंने दी है, ये उसका सबूत है। मेरे साथ हमारे पूर्वांचल के बहुत सारे साथी हैं जो छठ आयोजनों में शामिल रहते हैं अलग अलग क्षेत्र में। इनका रोष और गुस्सा है कि आखिर छठ क्यों नहीं मनने दे रहे, आपका पानी जल बोर्ड का छिड़काव किस लिए हो रहा है फिर? यदि वहां उस घाट पर कोई आयोजन ही नहीं है तो फिर ये छिड़काव किस लिए? होश में आओ अरविंद, 8 साल हो गए, अब तो जवाब देना होगा, आप भाग नहीं सकते। धन्यवाद।